Jung Hong should Lee should Lee fighting stance. Is it? जितनी हो जाएगी कोई बात नहीं। मेरा नाम सईद सुजात शाह है, मेरी एकेडमी भी रन कर रही है और मैं जम्मू कश्मीर टाइकोंडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूं और साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का सेक्रेटरी हूं। और ये जो सिक्स्थ नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप जो हुई है उड़ीसा में, तो वहां पे अच्छी फैसिलिटी दी थी उन्होंने, जो वहां के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी थे उन्होंने अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी थी। जो यहाँ से बच्चे गए थे आर्मी गुडविल हांजिक से जो बच्चे गए थे और जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से मेरे साथ बच्चे गए थे, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म दिया वहां पे। मैं खुद हैरान हो गया, जहां पे मैं प्रैक्टिस देता हूँ आर्मी गुडविल हांजिक में, तो मैं खुद हैरान हो गया मेरे बच्चों ने इतने कम टाइम में इतना अच्छा टैलेंट का मुजाहरा किया। तो मैं प्राउड फील करता हूँ अपनी जगह पे, हमारे बच्चों में, हमारे कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है गर्ल्स एंड बॉयज में। मैं चाहता हूँ जो हमारी एलजी गवर्नमेंट है, हमारी सेक्रेटरी मैडम है, भरपूर सपोर्ट करना चाहे ऐसे बच्चों को जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में, पहले तो श्रीनगर में बहुत ज्यादा सपोर्ट चल रहा था, तो आजकल आप देखिए हमारा सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमारा सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज देखिए आज डिस्ट्रिक्टों में भी सपोर्ट बढ़ रहा है, मार्शल आर्ट एक्टिविटीज, फुटबॉल, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरी यही मैसेज है मैं जीओसी साहब का, सीओ साहब का और खासतौर जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है आर्मी गुडविल हांजिक की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने वहां पे हमें फैसिलिटीज दी है ताकि ये जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से एक हमने आज रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट का बेनिफिट आर्मी गुडविल हांजिक को मिला। मेरा नाम उमहानी और मैं खुशीपुरा चिमटी से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा नाम फरवा, मैं खुशीपुरा चिमटी से ताल्लुक रखती हूँ। आप कहाँ पर? जा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ क्लास। किस स्कूल में पढ़ते हो? आर्मी गुड स्कूल। हाँ जी शरीफ, हम गए थे उड़ीसा नेशनल खेलने के लिए, फिर मैंने वहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया। मैंने गोल्ड। जो मेरी जो मैच थी वो थी पहले छत्तीसगढ़, दूसरी झारखंड, तीसरी थी वेस्ट बंगाल। मैंने बहुत अच्छा खेला वहाँ से, मैंने भी अच्छा खेला। पहली मैच फाइट थी वो थी नागालैंड, दूसरी दिल्ली, तीसरी झारखंड, जिसमें मैंने तीनों के तीनों फाइट जीते। मैंने गोल्ड हासिल किया, बहुत ज्यादा गरी थी। अच्छा, अगर मेरे पापा पेरेंट्स वहाँ पर होते मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश होती। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मेरी बहन ने गोल्ड मेडल जीता इसलिए क्योंकि इसने बहुत अच्छी फाइट खेली। मैंने उतनी अच्छी फाइट नहीं खेली जितनी मेरी बड़ी बहन है, और मैं जो मेरी बड़ी बहन है मैं उस पर प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि इसने गोल्ड मेडल, और हम इंटरनेशनल जाएंगे तो मैं भी माशाल्लाह ये रो रहा क्योंकि इसी ने हमें एडमिशन किया टाइकोंडो में, इसने हमें बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हाँ, करवाती है अभी स्कूल में प्रैक्टिस करते थे, हमारा जो हॉल था वो वुशु हॉल था, तो हम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। सर सिखाता था और हमें बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करवाता। एकेडमी है जम्मू एंड कश्मीर में है, जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है वो है आर्मी गुरु स्कूल में, हमारी प्रैक्टिस चल रही है वुशु हॉल में, शरीफ आबाद में। मेरे को नहीं लगता अभी कोई पेरेंट है जो अपने बच्चों को नहीं जाने देंगे आगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी जो सपोर्टिव होते हैं, इवन जब इनका एडमिशन हो गया था इनके पेरेंट्स को 1-2 हफ्ते पता ही नहीं था मैंने इनका टाइकोंडो में एडमिशन किया है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये जाना कि ये कुछ कर रहे हैं और उनके बाद जो ये प्रैक्टिस घर में कर रहे थे वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे उस टाइम, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स देयर जो उनके बच्चे हैं उनके लिए, तो आगे जाके फिर वही बच्चे कुछ ना कुछ हासिल कर। ट्यूशन टीचर, मैं इनको ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और बचपन से मैंने इनको पाला है, तो इस वजह से और बहुत सपोर्टिव रही हूँ मैं इनके लिए, मैं इनको गाइड भी करती हूँ टाइम टाइम जब इनको नीड होती है। स्पोर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना है, पेरेंट्स को चाहिए वो बच्चों को स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराए।